अगर मैं आप सभी लोगों से कहूँ कि शिनचैन कभी मरा ही नहीं, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलग ला। लेकिन अगर मैं आप सभी लोगों से ये कहूँ कि शिनचैन जैसा बच्चा इस दुनिया में कभी था ही नहीं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तुम्हें कैसे पता चला? अरे रुको, जरा सबर करो। तो अभी आप लोगों को जितने भी YouTube पर वीडियोस दिख रहे हैं शिनचैन के डेट और शिनचैन के एक्सीडेंट से रिलेटेड, वो सभी के सभी फेक है। लेकिन भाई कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी है जो अपने सब्सक्राइबर्स को सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं इतने खतरनाक प्रूफ दिखाने वाला हूँ, जिसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि शिनचैन सिर्फ एक चाइल्डहुड एनीमे सीरीज है। तो चलो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई बात कर लेते हैं भाई अपन एक शिनचैन की फेक स्टोरी के बारे में। किमित सी गई थी शिनचैन और हिमावरी को लेके मॉल में, हिमावरी गई, रस्ते में शिनचैन गया बचाने, एक ट्रक ने आके ठोक दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो भाई ये थी एक छोटी सी 8 या 9 सेकंड की स्टोरी और इसी को आप लोगों को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था। और लिटरली एक बंदा तो ऐसा है जिसने भाई इस स्टोरी को 10 मिनट में एक्सप्लेन किया है। लिटरली आप लोगों को ये कचरा भी डायमंड बता रहा है। और कुछ कुछ यूट्यूबर्स तो इतने खतरनाक है भाई, जिन्होंने भाई स्टोरी ही पलट दी। कह रहे थे भाई कि हिमावरी एक टॉय के साथ खेल रही थी, एक चमकीले टॉय के साथ खेल रही थी। अब वो जो टॉय है वो रस्ते पे चला गया भाई, मतलब मॉल में से बाहर रस्ते पे चला गया और उसकी बीच हिमावरी चले गई। और तभी शिनचैन का ध्यान भाई हिमावरी पे गया और ट्रक ने आके दोनों को ठोक दिया। मतलब भाई कुछ भी बता रहे हो बना के। ठीक है, ये तो हो गई सब फेक स्टोरीज जो आप लोगों को अभी तक बताई जा रही थी या दिखाई जा रही थी। तो अभी सेकंड पॉइंट पे चलते हैं और बात करते हैं कुछ कॉमन सेंस के बारे में। तो चलो ये मान लेते हैं कि मित्सी, शिनचैन और हिमावरी जो है मॉल में चले गए। ठीक है, अब मित्सी जो है कपड़ों के चक्कर में बहुत ज्यादा बिजी हो गई। भाई कुछ महीने की बच्ची और 5 साल का बच्चा, इन दोनों को भाई अकेला कौन छोड़ता है इतने बड़े मॉल में। तो ये तो हो गया भाई सबसे पहला कॉमन सेंस। अब बात करते हैं कुछ बड़े कॉमन सेंस के बारे में। मान लीजिए भाई अब शिनचैन जो है भाई एक्शन कमिंग के टॉयज ढूंढ रहा है या उनके साथ खेल रहा है। अब बिचारी कुछ महीने की बच्ची धीरे धीरे भाई अपने घुटनों पर चल रही है। अब भाई वहाँ पर इतने सारे लोग है भाई, अब इतने सारे लोगों को भी दिख नहीं रहा है कि भाई कुछ महीने की बच्ची जो है जो घुटने पे चल रही है वो मॉल के बाहर कैसे जा सकती है भाई, मुझे इतना बताओ। वो कहाँ जा रही है कोई उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा। और आप लोग अगर कभी मॉल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भाई जो मॉल का दरवाजा होता है कांच का, वो इतना ज्यादा भारी होता है भाई कि मुझे ही 2 हाथ से खोलना पड़ता है। तो इतनी सी बच्ची ने कैसे खोल लिया? चलो मान लेते भाई ऑटोमेटिक डोर था और हिमावरी बाहर चले भी गई। तो भाई ये जो कहानी आपको बताई जा रही थी ना, ये थी 90s की कहानी। मतलब कह रहे थे कि 19 में भाई शिनचैन मर गया। तो भाई सबसे पहली बात तो 90s में स्मार्टफोन्स, एंड्रॉइड फोन्स या मोबाइल फोन्स थे ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई लोग जो है मोबाइल पर बात कर रहे हो या कुछ मोबाइल में देख रहे हो और देखते देखते चल रहे हो। मतलब भाई लोग आखिर कर क्या रहे थे भाई, अगर हिमावरी बाहर जा रही हो भाई, कुछ महीने की बच्ची घुटने पे जा रही है और लोगों का ध्यान भी नहीं भाई उस पे। चलो मान लेते हैं वहाँ के लोग जो है अंधे थे और हिमावरी आ गई रस्ते पे और तभी शिनचैन को दिखाई दिया कि हिमावरी रस्ते पे है। और इतने भीड़ में से शिनचैन भाग कर आया और तभी ट्रक आया और तभी ट्रक ने आके दोनों को ठोक दिया है ना। वो ट्रक वाला तो अंधा था, उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो ये बात थी भाई कुछ सोचने वाली, कुछ कॉमन सेंस वाली। अब बात कर लेते भाई कुछ एकदम खतरनाक प्रूफ के बारे में। तो भाई जो डायरेक्टर है जिन्होंने भाई डोरेमोन को बनाया, जिन्होंने शिनचैन को बनाया, तो उन्होंने खुद हम लोगों को कहा है भाई कि जो शिनचैन सीरीज थी वो मेरी इमेजिनरी थी, एक चाइल्डहुड भाई एनिमे था भाई। ठीक है, जो एक मांगा के रूप में पहले जापान में दिखाया जा रहा था और भाई कुछ समय के बाद में उसके ऊपर भाई एनिमे बन गया। और उन्होंने खुद हमें ऐसा कहा है कि भाई ऐसी कोई स्टोरी थी ही नहीं है। तो अगर आपको झूठ लगता है भाई, आप गूगल पे जाके आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो। और भाई शिनचैन को सबसे पहले दिखाया जा रहा था डोरेमोन के जैसा, यानी शिनचैन भी गैजेट यूज कर सकता था और शिनचैन को गैजेट देने वाला था भाई ये एक बुड्ढा, ये टकला बुड्ढा। लेकिन भाई ये एकदम कॉपी लगता डोरेमोन सीरीज का, इसलिए भाई इसको कुछ अलग तरीके से बनाया जो भाई खुद हम लोगों डायरेक्टर राइटर ने बताया। और भाई एक बंदा ऐसा था जिसने भाई लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए इस स्टोरी को भाई फेसबुक पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद में अंधविश्वास फैल गया।